गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग फ्लैट शिफ्ट कर रहे हैं। जिस फ्लैट में फिलहाल अभी हैं ये 2 BHK, जो नया फ्लैट लिया हम लोगों ने 3 BHK लिया है। हम लोग चाह रहे थे जो सारे फ्रेंड साथ में रहे, इसलिए 3 BHK ले लिया। और यार यहाँ से बिल्कुल बालकनी व्यू काफ़ी अच्छा था, और वहाँ भी अच्छा है, लेकिन यहाँ दिखा रहा आपको ये रहा बालकनी व्यू, यहाँ का काफ़ी अच्छा है। ये जो है ये IIM कॉलेज है, और उसके जस्ट बगल में एम्स नागपुर ये वाला, और ये ADPS। तो यार यहाँ से व्यू काफ़ी अच्छा था, शाम को जब लाइट वगैरह जलती है तो काफ़ी अच्छा लगता है। और इधर दिखा रहे हैं आपको, तो ये जो हमारी सोसाइटी का ये स्विमिंग पूल है, और इसके जस्ट बगल में जिम था, और ये जो बगल में सोसाइटी की ये ब्लूमडेल सोसाइटी है। और आप लोग को दिखा रहा हूँ इधर ये रेड वाली जो बिल्डिंग है ये इन्फोसिस है, उसके जस्ट बगल में SCL है, और उसके जस्ट बगल में TCS वगैरह है, सारी कंपनियाँ इसके अंदर ही हैं। तो यार यहाँ से व्यू दिखता था काफ़ी अच्छा शाम को, और अभी भी अच्छा दिख रहा, उधर से थोड़ा अच्छा है लेकिन यह काफ़ी अच्छा था। तो आज शाम को अप्रोक्स 5 या 6 के करीब हम लोग शिफ्ट होंगे, तो चलते दिखाते हैं नया फ्लैट कैसा है। चलते हैं नया फ्लैट दिखाते हैं आपको, तो शाम को 6 या 7 के करीब जाएंगे। तो अभी जा रहे हैं सामान पैक करने के लिए, मिलते हैं नए फ्लैट में। और ये रहा न्यू फ्लैट का फर्स्ट लुक, और चलते हैं। ये 3 BHK है, और ये पहला रूम ये है, ये रूम शायद हम लेंगे, देखते हैं। और एक ये बाथरूम, इसका बाथरूम भी काफ़ी अच्छा है, सब कुछ गीज़र वगैरह प्रॉपर काम कर रहे हैं, चलते हैं। और ये पूरा बड़ा सा हॉल, हॉल भी काफ़ी अच्छा है। और ये किचन, किचन में वो सामान नहीं है, सामान वगैरह शिफ्ट वगैरह करना है, सामान वो भी पुराने फ्लैट पे है। और ये बालकनी, बालकनी काफ़ी बड़ी है और ठीक ठाक है, यहाँ से भी अच्छे लग रहे हैं बाहर के व्यू। और चलते हैं सेकेंड रूम दिखाने के लिए। और ये सेकेंड रूम है, और सेकेंड रूम की साइज़ आई थिंक सारी सेम ही है। और यहाँ पे रूम की साफ सफाई चल रही है, अमर भाई काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, तो लेट भी काफ़ी हो चुका है। अब चलते हैं सामान सेट करने रूम में। तो कुछ चीज़ हमने फ्लिपकार्ट से मंगाई है, ये कारपेट मंगाया है, और ये जो टेबल है ये भी फ्लिपकार्ट से मंगाया है, और ये चेयर ये भी फ्लिपकार्ट से ही मंगाया है। तो चलकर रूम में लगाते हैं, सब सेट करते हैं कैसा लगता है। तो ये जो टेबल चेयर ये सामने लगाएंगे इसको, तो इसको ओपन करते हैं गाइस, देखते हैं। ये कलर, मुझे कलर काफी पसंद है, तो चल को लगाते हैं इसको। और ये टेबल, टेबल भी लगाते हैं, देखते हैं कैसा लगेगा। यहाँ पे हमने जगह चूज किया, अच्छा लगा है, तो यहाँ फिट करते हैं इसको। काफ़ी सब लोग मेहनत कर रहे हैं यार, थक गए हैं सुबह से साफ सफाई करने के बाद। अब ले चलते हैं चेयर को, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है सेट करना। सेट करने के बाद अभी लाइट वगैरह लगानी है, कुछ फ्रेम लगानी है, उसको देखते हैं लगा के। ये प्रॉपर लग गया है, ये फ्रेम मंगाया है गणेश जी का, इसको लगाते हैं, इसको यहाँ फिट कर देंगे, देखते हैं कैसा लगेगा। तो हम अमन भाई काफ़ी मेहनत करते हुए, अमन भाई ने काफ़ी मेहनत किया और फाइनली लग गया है, तो थोड़ा दूर होकर देखते हैं कैसा लग रहा। और ये स्टिकर मंगाए हैं दीवार पर लगाने के लिए, क्योंकि रूम थोड़ा भरा भरा रहता है तो अच्छा लगता है, इसलिए इसको मंगाए हैं। लगाने के बाद देखते हैं कैसा लगेगा। तो फाइनली लग चुका है, और ये ऐसा दिख रहा। गैस ये अलमीरा हमने अमेजोन से मंगाया है, तो इसको ओपन करते हैं। अमन भाई थोड़ा हेल्प कर दो इसको। क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा दिन तक रहना नहीं है हमें, इसलिए एडजस्टेबल अलमीरा मंगाया है, तो ओपन करके देखते हैं। फर्स्ट टाइम मंगाया है, हमें नहीं पता कैसे क्या इसको कैसे सेट होगा, इसको फर्स्ट ओपन करते हैं। और ये कुछ उसके
स्क्रू वगैरह है, पता नहीं क्या है, जो भी है इसको लगाएंगे। और ये कुछ फ्रेम वगैरह दिया है और ये पर्दे हैं, तो उसको सेट करेंगे। पता नहीं कैसे सेट होगा, देखते हैं। ये इंस्ट्रक्शन बुक मिल गई हमें, तो इसको फॉलो करते हुए हम इसको लगाएंगे। तो यार इसको सेट करते हैं, सेट करने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो ये चारों लोग मिलकर मेहनत कर रहे हैं और करीब 20 मिनट हो चुका है अभी, और अभी लग रहेगा कि अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ। अभी बुक वगैरह का इंस्ट्रक्शन देखने में टाइम लग गया। तो इसको फिट करते हैं। काफ़ी टेढ़ा काम है यार इसको लगाना, क्योंकि ये फ्रेम में जल लगता नहीं है। तो अभी जस्ट बेस तैयार हो गया है और उस ऊपर से इसको सेट करते हुए ये छोटे छोटे पार्ट दिए हैं, जो क्या उसको बोलेंगे, प्लम्बर टाइप, क्या जो बोलेंगे, जो भी बोलेंगे, इसको उसमें पाइप को लगा कर सेट करना होगा। और फाइनली लग चुका है, ये पार्ट बन के तैयार हो गया है, इसके बस कवर बाकी है लगाना। तो लगाते हैं, देखते हैं कैसा होगा। और दोनों लोग काफ़ी बुरी तरह थक चुके हैं, क्योंकि 2 घंटा लगा पूरा बनाने में इसको। अभी भी कहीं ऊपर नीचे है तो इसको सेट कर रहे हैं। फिर लगाने के बाद उसको यहाँ पे हमने कॉर्नर में फिट कर दिया, सामान वामान सब कुछ रख के। और ये देखने में ऐसा है बिल्कुल ठीक ठाक लग रहा, सारे सामान हमारे आ चुके हैं जो कि रिक्वायरमेंट होते हैं, तो सारे कुछ फिट हो चुके हैं इसमें। और रूम में हमने लाइट लगा दिया है और ऐसा लग रहा लाइट लगाने के बाद। और ये स्टिकर, ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा। तो गाइस आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं ब्लॉग में। लाइक कमेंट।